अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो दो गाड़ी आया हुआ है। तो एक गाड़ी का तो हमने जब चेक किए तो देखिए इसका जो मोटर है वो जल गया है। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मोटर है वो जला हुआ है। लेकिन दूसरा गाड़ी का भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी इसी तरह का चक्का उसका टाइट है। तो क्या हुआ, ये वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग के लिए स्पेशल ये वीडियो है, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम वो लोग को ना आए। ठीक है, गाड़ी में क्या हुआ, एक गाड़ी का पहले मोटर जल गया, ये वाला मोटर सबसे पहले जल गया। तो मोटर जल गया, उसके बाद रास्ते पे ही ख़राब हुआ था इसको। तो दूसरा गाड़ी से, उस साइड पे जो गाड़ी खड़ा है देख सकते हो आप, वो वाले गाड़ी से इसको खींच के लेके आया। ठीक है, ये वाले गाड़ी को उस गाड़ी से खींच के लेके आया, और इसका चक्का इतना जाम था कि वो मोटर भी अभी जल गया। ठीक है, उसको भी हम खोल के आपको दिखाएंगे, और वो भी उसका भी चक्का अभी जाम है। बीच रास्ते पे वो भी ख़राब हो गया, उसका भी मोटर जल गया मुझे जो लगता है। तो उसका पहले कंट्रोलर का कनेक्शन को खोल देंगे, फिर देखेंगे कि ये ढीला हुआ क्या। अगर लूज़ होता है तो आपका कंट्रोलर का प्रॉब्लम है, और लूज़ नहीं होता है तो उसका भी मोटर जल गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप लोग रास्ते पर किसी का हेल्प करोगे, जैसे कि अगर किसी का गाड़ी ख़राब हो जाता है और आपको बोलता है कि खींच के ले जाने को, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि एक तरफ का चक्का उठा के, चक्का टाइट तो नहीं है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। अगर चक्का टाइट रहेगा तो आपको वो गाड़ी खींच के नहीं लेके जाना है। अगर उसको खींच के आप लेके जाओगे तो आपका भी हो सकता है कि मोटर या कंट्रोलर ख़राब हो जाए। ठीक है, इसके तरह इसका जैसे मोटर कंट्रोलर तो जल गया ही है, और उसका भी आप, मैं चक्का को एक बार घुमा के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका चकड़ा घुरा एक बार, ये गाड़ी से खींच के लेके आया था। तो देखिए इसका भी चक्का कितना टाइट है। तो मुझे लगता है इसका कंट्रोलर या मोटर, ये दोनों में से किसी एक का फॉल्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन को खोल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खोल के रखे हैं हम कनेक्शन को निकाल लेते हैं। इसका जो नट वगैरह है उसको ढीला करके रख दिए वैसे भी हम। तो देखिए इसका जो तीनों कनेक्शन है मोटर का, उसको हम खोल दिए। अब एक बार चक्का घुमाऊँ, चक्का घुराऊँ, लूज आ लूज है घुमाओ। तो देखिए अभी भी टाइट है, तो इसका मतलब है कि इसका भी मोटर गया। ठीक है, इसका भी मोटर जल गया। आप कभी भी दूसरे का हेल्प करोगे, कोई गाड़ी कहीं पे फंस जाता है, तो सबसे पहले आपको इस तरह का चक्का को उठा के इस तरह से घुमा के एक बार देख लेना है। अगर इस तरह का टाइट लगता है आपको, तो आपको गाड़ी पे बांध के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेके जाओगे आप, तो हो सकता है कि आपका भी गाड़ी मोटर जल जाए या कंट्रोलर ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं खास करके बना रहा हूँ सिर्फ गाड़ी वाले के लिए। इसमें कोई काम का वीडियो नहीं दिया आप लोगों को, सिर्फ गाड़ी में खींच के ले जाने को इसलिए मना कर रहा हूँ ताकि आपका मोटर सेफ्टी रहे। ठीक है, मैं कोई ये, अगर आप देखोगे कि चक्का लूज़ है, इस तरह का चक्का जो है अगर लूज़ रहेगा तो आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 100 किलोमीटर तक आप लेके जा सकते हो खींच के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चक्का जाम है आपका, तो आप अगर 1 किलोमीटर भी ले जाओगे तो हो सकता है कि आपका मोटर जल जाए। ठीक है, तो देखिए इसका जो मोटर को खोल दिया हमने, देख सकते हो, तो इसका भी चक्का देखिए अभी फ्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जब फ्री आपको लगे कि चक्का फ्री है, तभी खींच के लेके आना है। अगर टाइट लगता है चक्का पहले जिस तरह का दिखाया, तो आपको गाड़ी नहीं खींचना है। गाड़ी खींचोगे तो आपको हो सकता है कि मोटर जल जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों को बताने का मकसद था। तो ये देख के आप लोग चलाओगे, जो लोग गाड़ी वाले हैं खास करके वो लोग को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल जो घंटी का बटन उसको दबाकर नोटिफिकेशन को कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस तरह का वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।